कोरोना का कहर काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसी बीच महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। क्या लॉकडाउन फिर से लगने वाला है महाराष्ट्र में और सारे पे स्पेशल ट्रेन कैंसिल होंगे, इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दरअसल कोरोना काफी तेजी से बढ़ रहा है और महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन भी लगा दिया गया है शनिवार और रविवार को। इसके बाद सोमवार से शुक्रवार तक 8 बजे शाम से लेकर सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। इसके बाद दिल्ली में रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके बावजूद भी कोरोना को नहीं रोक पा रहा है। तो इसी को देखते हुए महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल महाराष्ट्र में कोरोना डराने लगा है, रोज नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं। कोरोना पर काबू पाने के लिए आज महाराष्ट्र के सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें विभिन्न दलों के नेताओं ने अपने विचार रखे। वहीं सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बैठक के बाद सीएम ठाकरे ने हफ्ते के लिए संपूर्ण लॉकडाउन का संकेत दिया है। तो आप हो सकता है यदि महाराष्ट्र में कोरोना पर काबू नहीं किया गया तो एक हफ्ते के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। और बात करते हैं स्पेशल ट्रेन का, क्या स्पेशल ट्रेन लोकल ट्रेन जितने भी चल रहे हैं महाराष्ट्र में, क्या ट्रेन कैंसिल होंगे या फिर नहीं होंगे? तो दरअसल रेलवे की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है जिसमें बताया गया हो कि स्पेशल ट्रेन या फिर लोकल ट्रेन जितने भी चल रहे हैं सारा ट्रेन कैंसिल होंगे। फिलहाल में अहमदाबाद से मुंबई और मुंबई से अहमदाबाद तेजस एक्सप्रेस को कैंसिल किया गया है कोरोना के कारण। और इसके बाद दिल्ली से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली तेजस एक्सप्रेस को 1 महीने के लिए कैंसिल कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।